हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम जानेंगे एनपीआर के बारे में। एनपीआर को अपडेट किया जाएगा और इसको अपडेट किया जाएगा अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट भी बता दिया है। इसका जो बजट है तकरीबन है 3941 करोड़, यानी कि 4000 करोड़ के समथिंग इसका बजट रहेगा एनपीआर का। एनपीआर होता क्या है? एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये होता क्या है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर? ये होता है कि इसमें सभी प्रकार के जितने भी लोग इंडिया में रह रहे हैं उनका डेटा पता करना, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने बेरोज़गार हैं, कितने रोज़गार हैं, इस तरह की सभी चीज़ों को लिया जाता है एनपीआर के अंतर्गत। इसके लिए आपको कोई भी बायोमेट्रिक या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको सीधा बस जो आपसे सर्वे, एक प्रकार से कहा जाए कि सर्वे होगा, सर्वे में आपसे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, मुखिया कौन है, मुखिया से संबंध क्या है लोगों का, कितने कहाँ से कौन कितना पढ़ा है, कौन कितना नहीं पढ़ा है, कितना शिक्षित है और कौन नौकरी कर रहा है और कितने बेरोज़गार हैं, कितनों को रोज़गार मिला हुआ है। तो इस तरह की कुछ नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, क्या जात है, क्या है धर्म, क्या है लिंग, क्या है राष्ट्रीयता, क्या है, ये सब चीज़ें आपको बतानी रहती है। अब जो व्यक्ति रह रहा हो चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ ये रहता है कि इसमें आपको पता चल जाता है कि देश में टोटल कितने लोग रह रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, किस हिसाब से रह रहे हैं और क्या चीज़ें हैं, ताकि उनके लिए नई नई योजनाएं नीति बनाई जाएं और सभी आसानी से उनको लागू किया जाए सही डेटा मिलने पर। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कहां कहां लागू हो रहा है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, सिर्फ असम को छोड़ के, क्योंकि असम में पहले से ही एनआरसी चल ही रहा है तो इसलिए वहां पर एनपीआर लगाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए असम को छोड़ के वहां की पूरे ऑल स्टेट में और यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश उन सभी में ये लागू होगा। अब ये किस एक्ट में आता और ये कहाँ क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ये जो आपका जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो CAA होता है, 1955 जो बिल है उसी के अंडर में आता है ये बिल। एनपीआर में आपके सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों इंक्लूड रहते हैं, मतलब आपके जो देश के नागरिक हैं और जो देश के नागरिक नहीं हैं उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। इसमें ऐसा रहता है कि इसमें आपको हर व्यक्ति को बताना रहता है कि कौन व्यक्ति कहाँ कैसे रह रहा है। इसमें जो व्यक्ति 6 महीने से लगातार जिस प्लेस पे रह रहा है वो वहीं पे उस प्लेस के बारे में ही लिख पाएगा, या फिर आने वाले महीने में जो 6 महीने पर वहाँ पे रुकेगा वहाँ पर उसकी वो जानकारी वहाँ पर देता है। ये इसकी शुरुआत गाँव, तहसील, जिला और स्टेट लेवल, सभी तरीके से लेवल पर की जाती है। अब ये एनपीआर क्यों लगाए गए? एनपीआर जैसे कि मैंने पहले बता दी थी, एनपीआर इसलिए लगाया गया है ताकि जो लोग रह रहे हैं उनके अच्छे से, उनके विकास के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, शिक्षा के लिए, काम के, उनका एक डेटा प्रॉपर मिल जाता है। तो इसके बाद फिर सरकार अपनी नीतियां उन पर लागू करती है कि हमें किस तरीके से देश का विकास करना है। ये जो बिल आया ये पहली बार नहीं आया, ये इसको कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2010 में लगाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में उन्होंने लगाया था और यहाँ से इसको बाद हर साल, इसको हर 5 साल या 10 साल में इसको अपडेट करना रहता है। तो इसके बाद अब ये 2010 के बाद 2020 में इसको कानूनी तरीके से इसको अपडेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए। एनपीआर और एनआरसी में क्या डिफरेंस है? एनपीआर में लिस्ट ऑफ सिटीजन्स होता है और रेसिडेंटल, एनपीआर में लिस्ट ऑफ रेसिडेंट होता है, मतलब कितने लोग रह रहे हैं देश में, चाहे वो सिटीजन हो चाहे नहीं हो। और एनआरसी आपका होता है लिस्ट ऑफ सिटीजन, कितने सिटीजन मतलब जो भारत के नागरिक हैं वो लोग। आपको पता होना चाहिए कि नागरिकता और राष्ट्रीयता दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो ये वो ही चीज़ पर डिपेंड करता है। तो एनपीआर और एनआरसी का दोनों का आपसी में कोई लेना देना नहीं होता है। इसका लेना देना CAB से होता है या CAA से होता है, इसका लेना देना CAA से है, एनआरसी से नहीं है। तो ओपी वाइज आपको ये एनपीआर समझ में आ गया होगा। ये जनगणना से पहले होना है, जो कि आपको बता दिया कि अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच में ये हो जाएगा, जिससे सभी लोगों के बारे में, इसके बाद नॉर्मल जानकारी देना, इसमें कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं देना, कोई भी बायोमेट्रिक नहीं कराना आपको रहेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको नहीं कराना रहेगा, ना ही आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। बस गवर्नमेंट ने इस बार कोई ऐप लॉन्च किया, बस उस ऐप के थ्रू ही आपसे सर्वे होगा और आसानी से सब चीज़ें आपसे जो जानकारियाँ ली जाएँ ये बस वो ही आपको देना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो होप यू गाइस आपको एनपीआर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चले और किसी भी तरह की र्यूमर या अफवाह पर ध्यान ना दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।